हाँ सर, राम राम। नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम जा रहे हैं आज एकलिंगनाथ जी के दर्शन करने। तो एकलिंगनाथ जी के दर्शन के साथ साथ आपको कुछ ऐसी जगह दिखाने वाला हूँ जहाँ से आपको सनराइज़ देखने को मिलेगा थोड़ी सी हाइक करने पर। तो चलिए यहाँ से सफ़र शुरू करते हैं एकलिंग जी का, और उसके बाद में मिर्ची बड़ो का स्वाद लेते हैं, और फिर आपको एक सनराइज़ पॉइंट बताऊँगा जो आपको देखकर थोड़ा बहुत हाइक कर कर आप भी आओगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ से अब चालू करते हैं। फैमिली ट्रिप है हमारी छोटी सी आज की मॉर्निंग की, और ये मेरा दोस्त साथ में है और पीछे हमारे बेटे आरती। चलो पहुँच गए एकलिंग जी, दर्शन करते हैं एकलिंग नाथ जी के, और फिर यहाँ से नाश्ता करके सनराइज़ के लिए निकलेंगे। सर्दी है तो सर्दी की वजह से दुकानें खुली नहीं है इतनी, गर्मी में खुल जाती है, पर एक आधी दुकान तो खुल गई होगी। पहले सबसे पहले दर्शन करते हैं, अंदर हुआ तो आपको भी दर्शन करवा देंगे। वैसे अलाउ नहीं होता है वीडियो और फोटो वगैरह, पर देखते हैं। तो हम यहाँ से जा रहे हैं रत्नासन माता। यहाँ पर तो क्या है कि आज सोमवार नहीं है, बुधवार है, इसलिए सोमवार को ये मिर्ची बड़े की दुकानें वगैरह जल्दी खुल जाती है। सर्दी भी है तो शायद आज दुकानें खुली नहीं है, तो हमारे नसीब में ही नहीं है मिर्ची बड़ा, तो कहीं और नाश्ता कर लेंगे। फिलहाल यहाँ से सनराइज़ देखने जा रहे हैं हम रत्नासन माता, थोड़ा हल्का बहुत हाइक है एक डेढ़ किलोमीटर का, और वहाँ से सनराइज़ देखेंगे और आपको भी दिखाते हैं सनराइज़। जब मैं पहले आया था यहाँ पर तो यहाँ पर माइनिंग का काम नहीं चलता था, अभी कुछ माइनिंग का काम चलने लग गया, इसलिए रोड सब खुद चुकी है। कार लाना बहुत मुश्किल हो गया था यहाँ पर, तो ऊपर कार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए कार नीचे रख दी हमने। पर लेट हो गया थोड़ा, मुझे लग रहा है कि ऊपर जाने से पहले ही सनराइज़ हो जाएगा, तो हम बीच से ही देख लेंगे। वो जो पीछे ग्रुप देख रहे हो आप, वो गूगल मैप की मदद से आया है, मतलब पता नहीं किधर किधर खेतों में से कूद कूद के आ रहे गूगल मैप को देखते हुए। मैप की मदद ना ही ले तो अच्छा है, क्योंकि पहले जब ये बीच में खदानें वगैरह नहीं खुदी थी तो सही से रास्ता बताता था गूगल मैप, पर वो बीच में वापस से खदान वाले रास्ते बन गए, तो पता नहीं किस तरह ये अपडेट होता है, इसलिए हम भी कन्फ्यूज़ हो गए थे, और फिर हमको सही से रास्ता मिल गया, सो अब इस रास्ते पर हम आ गए हैं। बस यार सनराइज़ ना मिस हो जाए हमको, सनराइज़ मिस हो गया ना तो मेहनत पे पानी फिर जाएगा। जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ, चलो गन्नू के साथ चलो। गन्नू की आँखें कहाँ हैं? अब ठीक है? हाँ थोड़ा ठीक है। जिस बात का डर था वही हुआ, सनराइज़ तो हो चुका है। फ्रंट कैमरे से नहीं दिख रहा है, बैक कैमरे से दिखाता हूँ, पर वही है ऊपर आके सनराइज़ देखने का भी मज़ा कुछ और ही है। पर हो गया है, पर अभी भी आँख में नहीं चुभ रहा है, और जो देखो थोड़ी बहुत धूप पड़ रही है ना ऊपर। हमारा गन्नू, गन्नू अरे यार गन्नू के तोपा यार, अरे गन्नू तोपा आधा ट्रैक हुआ नहीं है, अंजर पंजर डीले हो गए हैं, यही होता है हाँ जब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं हो तो। आपको दिखाता हूँ, हाँ अब दिखा, थोड़ा टेप करता हूँ यार, और लॉक नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो सनराइज़ तो आपको दिखा दिया, अब ऊपर जो रत्नासन माता जी का मंदिर है वो दिखा देंगे। यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना बड़ा मंदिर होता है वहाँ पर ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होती है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा लगती है, लोग बाग फ़ोटो खींचते हैं तो बीच में डिस्टर्बेंस होता है, उसकी वजह से भी फ़ोटो वीडियो अलाउ नहीं होते, पर यहाँ आराम से ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ लिखा हुआ तो है यहाँ भी शायद कि फ़ोटो वीडियो लेना अलाउ नहीं, पर ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट नहीं है वहाँ पर। तो अभी मैंने थोड़ा बहुत वीडियो लेने का कोशिश किया था,
एकलिंग जी और गार्ड ने डिलीट करवा दिए, पर ये जो मंदिर है ना, ये एकलिंग जी से भी पुराना मंदिर है। तो अब देखते हैं ऊपर मंदिर को। देखो सनराइज़ तो आप उदयपुर में ही देख सकते हो, करणी माता के पीछे की तरफ सिटी वॉल है ना, वहाँ भी देख सकते हो। पर एक यहाँ है कि हाँ, यहाँ का एक वातावरण कुछ अलग है। वो एक सिटी व्यू आता है वहाँ पर, और यहाँ पर पूरा पहाड़ों का व्यू है, तो वो भी एक अच्छी जगह है। पर यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर क्या है कि आप एकलिंग जी के भी दर्शन कर सकते हो, और उसके अलावा रतसन माता मंदिर भी आ सकते हो, और यहाँ से सनराइज़ भी देख सकते हो, और यहाँ का वातावरण भी, जो यहाँ का फील है वो ले सकते हो आप। चारों तरफ मतलब इस मंदिर के चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। अभी तो सर्दी है इसलिए उतनी हरियाली नहीं है, और जब मानसून में आप अगर यहाँ पर आओगे तो हर तरफ आपको हरियाली देखने को मिलेगी। गर्मियों में जो हवा चलती है उसका भी मज़ा अलग है। मैं लगभग 3 से 4 बार यहाँ आ गया हूँ, पर अधिकतर अकेला आया हूँ जब मैं पूरा अच्छी तरह से सनराइज़ देख पाता हूँ। और जब भी फैमिली दोस्तों के साथ आता हूँ तो मेरा सनराइज़ मिस हो ही जाता है। आलसी लोग होते हैं इसलिए चल नहीं पाते हैं। देखो हमारा गन्नू को कैसा लग रहा है, गन्नू बताएगा। गन्नू गन्नू अरे गन्नू मंदिर कैसा लगा बता दो। सोच के बताऊंगी। गन्नू कैसा लगा मंदिर? मंदिर कैसा लगा जी? जी कुछ बोलना है आपको? कैसे देखते रहना है? गन्नू देख रहा है क्या कर रहे हैं साला, मेरे को इन सब में पढ़ना ही नहीं है, फालतू में परेशान कर रहे हो। मैं मेरे मूड में हो रही है, पता नहीं कैमरा सामने लगा के कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है कर रहे हैं। पेड़ पौधे भी उगा रखे हैं तो थोड़ा बहुत हरा भरा कर रखा है मंदिर को। वाटर कूलर लगा हुआ है, पानी की सुविधा है। मंदिर के माता जी के दर्शन करा देता हूँ, हालांकि फोटो वीडियो लेना यहाँ भी मना है, दिखा देंगे, यहाँ पर इतना स्ट्रिक्ट लग नहीं रहा मुझे। एक थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो कि हमारे साथ भी कन्फ्यूज़न हुआ, गूगल मैप्स इधर आगे की तरफ लेके जाता है। पीछे आप देख लो मेरे वो वाइट सी होटल है, इसी के जस्ट सामने ये टर्न आ रहा है, और ये जो अंदर रास्ता जा रहा है ना, ये गांव में से होते हुए माता जी के मंदिर में जा रहा है, और आगे जो ले जाएगा वो माइनिंग की खुदाई हुई हुई है, उसी में से रास्ता माता जी की तरफ ले जाता है। और उसमें क्या है कि कार अगर ये छोटी कार होती है तो नीचे पत्थर वत्थर लग जाता है, तो ये वाला रास्ता आप ध्यान रखना। वो जो व्हाइट बिल्डिंग दिख रही है जस्ट उसके सामने ही है एकलिंग जी से, अपन जो मेन हाईवे अंदर की तरफ आते हैं उस गिर गया फोन पर हाथ में ही है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि वो उधर से जो रास्ता आ रहा है होटल की तरफ से, वो आ रहा है एकलिंग जी जो अंदर घुसते हैं हाईवे उससे इस तरफ आ रहा है। हालांकि आप गूगल मैप पे डालोगे तो आपको इतना तो आइडिया हो जाएगा कि किस तरफ है, बस ये ध्यान रखना कि सामने वो होटल है और होटल के सामने ये गांव वाला रास्ता है, इसी से आपको मंदिर की तरफ जाना है। हमारा क्या है कि दिल नहीं मान रहा है, मन मान ही नहीं रहा है कि बिना मिर्ची बड़ा खाए हम जाए तो घर पे जाए कैसे। तो अब वैसे हमको 8:30 तो हो ही गई है, तो एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं एकली में जाके, कहीं ना कहीं किसी न किसी होटल पर तो तैयार हो ही गया होगा, मिर्ची बड़ा खा के रहेंगे आज। पर फिर भी नहीं मिला तो भगवान जाने, फिर भगवान की माया। Mama
मिर्ची वड़ा खाने के लिए तो ये इंसान पीछे बैठा है, मिर्ची वड़ा खाने के लिए आया है स्पेशल, बोल रहा है कि मेरे पेट में आटे पड़ गई है। वाह भाई, देखते हैं मिर्ची वड़ा मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो फिर और कुछ नाश्ता करना पड़ेगा। मिल ही गया फाइनली, मिर्ची वड़ा हमको मिल ही गया। सो ये था रातासन माता का मंदिर, आप भी आइए माता जी के दर्शन कीजिए और सनराइज़ का भी आनंद लीजिए, बस थोड़ा जल्दी आना, हम भी लेट हो जाते तो आप भी लेट ना हो जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपनिया, बच में मत बोल यार वही डायलॉग वही होता है। अरे मीठू मीठू मीठू, रुको रुको, वीडियो ख़त्म करने से पहले उड़ गए, वीडियो ख़त्म करने से पहले मीठू ही उड़ गए, मीठू दिखाने वाला था। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, जय माता दी, जय मेवाड़, जय एकलिंगनाथ, जय रातासन माता जी। यू वापिस से एक बार इंजॉय कर लो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।